वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई रियली होप ऑल आर यू डूइंग ग्रेट। एंड ये जो व्लॉग है वो है 9 सितंबर का। तो इसमें सबसे पहले मैंने टू-डू लिस्ट बनाया, उसमें सेंटर ऑफ मास का थर्ड लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड और फोर्थ, जेनेटिक्स का थर्ड और फोर्थ, और जेनेटिक्स का फर्स्ट टू सेकेंड रिवाइज करना नोट से, UVTS थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज करना और मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करने हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना 45 मिनट का टाइमर लगा के जितना भी कल पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ जेनेटिक्स का फर्स्ट से जितना भी मैंने पढ़ा हुआ है उतना सारा। चलो फिर रिवाइज करके आपसे मिलती हूँ। सो जेनेटिक्स का तो मैंने रिवाइज कर लिया है और अब मैं रिवाइज करने जा रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स का नोट से रिवीजन, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ही उसका। सो चलो अब इसे रिवाइज करके आपसे मिलती हूँ बाद में। यहाँ पे जो थ्योरी वाला पार्ट था वो तो मैंने जस्ट रिवाइज कर लिया रीडिंग करके, बट इसमें जो भी फॉर्मूला वगैरह आ रहा था वो मैं लिख के रिवाइज कर रही थी जिससे अच्छे से याद रहे। सो ये रिवाइज हो गया और मैंने अपने टू डू लिस्ट में थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन नहीं लिखा था तो वो भी ऐड ऑन कर लिया और यहाँ पे टिक भी लगा दिया कि ये दोनों टारगेट अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। सो इतना करने के बाद चलो थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड जेनेटिक्स का। सो यहाँ पर स्टार्ट कर भी दिया है लेक्चर, चलो फिर इसे कम्प्लीट करके आपसे मिलते हैं। लेक्चर ना छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लाइक 40-45 मिनट का था, तो ये आसानी से कंप्लीट भी हो गया। और फिर उसके बाद मैं अब करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर फोर्थ, जो कि मैंने पूरा आप लोग को सो नहीं किया, बाद में इसके नोट्स दिखा दिए हैं। सो चलो फिर, और इसे करने से पहले आप लोग टाइम तो देख लो। तो अभी हो रहा है 12:31 और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, फिर बीच में मैं चली गई थी कुछ चुटर पुटर सा खाने पीने थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे। सो ये रहे मेरे लेक्चर नंबर फोर के नोट्स, जो कि मैंने आप लोग को नहीं दिखा पाया था, तो आप लोग देख लीजिए। सो ये कंप्लीट तो हो गया है, चलो इस पे लगा देते हैं टिक, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे दूसरा सब्जेक्ट। तो जेनेटिक्स का थर्ड और फोर्थ लेक्चर हो गया, अब थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड और फोर्थ लेक्चर करते हैं। और जो अभी वक्त हो रहा है वो अभी 2 बज रहे हैं। सो देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट हो पाएगा और कितना टारगेट हो पाएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही टारगेट सेट कर लिया था। मैंने सोचा कि आज मैं 8:30 बजे आ गई हूँ तो मैं ज़्यादा कर सकूँगी, लेकिन चलो देखते हैं कितना हो पाएगा, और जितना हो पाएगा अच्छे से करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। और यहाँ पे मैं नोट्स बना के ही रिवाइज कर रही हूँ, मेरी आदत में है ये। और जो एक लेक्चर तो हो गया थर्ड वाला और टाइम भी हो रहा है 3:18, अब स्टार्ट करने जा रही हूँ फोर्थ वाला लेक्चर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर फोर्थ के मैंने आप लोग को नोट्स नहीं दिखा पाए थे बनाते हुए, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इसके रफली नोट्स बना लिए हैं, जो भी मेरे को थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करना होता है, ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए हैं। एज यूजुअल हमेशा बोलती हूँ कि मैं, मेरे नोट्स हैं पहले से ही बने हुए हैं। सो ये कम्प्लीट हो गया, अब स्टार्ट करेंगे UVTS स्टार्ट करते हैं। तो चलो टाइम देख दो, अभी बज रहे हैं 4 और UVTS सॉल्व करते हैं। तो इसमें ना 200 क्वेश्चन है जो कि मेरे को सॉल्व करने हैं, एक यूनिट पूरी आ रही थी,
तो वो मैंने कंप्लीट किया और इसे करते करते बज गए 5:53, यानी कि ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। सो या इसे कंप्लीट किया और फिर लगा दिया टिक। और सच बताऊँ तो फिर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, 1 घंटे में ना मैं थर्मो डायनमिक्स के क्वेश्चन कर सकती थी और ना ही सेंटर ऑफ मास, तो ये मेरे को छोड़ना ही पड़ा। और फिर उसके बाद मैंने एनालाइज किया। दैट्स इट। ओके भाई, टेक केयर, कमेंट कर देना।